ओम श्री परमात्मने नमः। आज हम चर्चा करेंगे एलियन यूएफओ के बारे में। ताज़ा अपडेट ये है कि अमेरिका अपना नया प्लान एलियन हंटर लागू करने वाला है। और जैसा कि मेरे वीडियोस पहले जाके आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं कि मैं प्रोजेक्ट ब्लू बीम के बारे में पहले ही लिख चुका हूं, और फेसबुक पे भी जाके देखेंगे साल भर पहले लगभग की पोस्ट होगी, उस पोस्ट में मैंने इन सब का जिक्र बहुत पहले ही कर दिया है। और डेट भी शायद इधर ही क्या नाम मई के आसपास की थी कोई डेट, तो फेसबुक अकाउंट में जाके देख सकते हैं, और इधर पहले के वीडियो जो हैं वो प्लेलिस्ट में पड़े हैं उनमें जाके देख सकते हैं। एलियन से संबंधित हैं और ब्लू बीम से संबंधित है मतलब। तो और अब आगे की अपडेट ये है कि अमेरिका के भूतपूर्व CIA अधिकारी एक जो हैं उन्होंने ये क्रिस्टोफर ग्रीन, उन्होंने ये दावा किया है कि एलियन इस धरती पे आ चुके हैं, और वो बल्कि वो अमेरिका के कुछ सैनिकों पर हमला भी कर चुके हैं, और उसमें बहुत से अमेरिकी सैनिक मारे जा चुके हैं और कुछ घायल हुए हैं, और जिससे उनकी हालत बहुत ही नाजुक हो गई है। और तो ये है, और उससे क्या हुआ है, उससे जो है हवाना सिंड्रोम फैल गया है। क्या है फैल गया है? हवाना सिंड्रोम, सब याद करते रहिए इसे, ठीक है। और तो और ये जो चिंता की खबर है अमेरिका में मतलब फैल रही है, पूरे विश्व में एक तरह से फैल रही है, कि वो जो चिंता का विषय है वो रूस से कोई हमला नहीं, विश्व युद्ध नहीं, बल्कि वो है एलियन अटैक। से दुनिया के सामने जो नया खतरा आ गया है वो है एलियन अटैक। तो इसी तरह से आप लोग जो है हंसते हंसाते रहिए लोगों को, और लोगों के अंदर से डर निकालते रहिए, क्योंकि जो ये युद्ध लड़ा जा रहा है, जब से 2020 वाली जो प्रोजेक्टेड CV लाया गया है, तो उससे जो है तब से ये तीन स्तर पे लड़ी जा रही है। नंबर एक भौतिक, जो मतलब हमको दिखाई देता है दो आंखों से कि सारा कुछ कंट्रोल्ड किया जा चुका है, मेरे देश में कोई जैसे मतलब कोई सरकार नाम की जैसे चीज़ नहीं है, और सारी की सारी चीज़ें जो है वो लगता है ऐसे कि जैसे वो सब विदेशों के नियंत्रण में है। ये हुआ भौतिक, मतलब यहाँ की जो अकूत संपदा है, खनिज संपदा है, और जैसे बहुत सी चीज़ें हैं, या फार्मा में हो, या क्या नाम बड़े बड़े जो भी प्रोजेक्ट्स हैं उसमें उनका सीधा सीधा हस्तक्षेप है, एक तरह से कहा जा सकता है। ये हुई बात भौतिक स्तर की। अब बात होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लड़ाई कहाँ है, फिर उसके बाद मानसिक स्तर पे लोगों के दिमाग में क्या पैनिक क्रिएट किया जा रहा है, और पैनिक में क्या है कि डर, जैसे कि कभी चाहे वो CV का डर हो, फिर चाहे LD का डर हो, फिर चाहे वो क्वाटीन का डर हो, फिर चाहे वो वैसे गौर करते रहिए सब चीज़ों पर, और फिर इसके बाद चाहे इसका डर आया हो, तो सारे के सारे उनके ये सब क्या हैं, मानसिक स्तर पे ये हुई लड़ाई, मानसिक स्तर की, मानसिक स्तर का लोगों के अंदर डर पैदा किया गया, ये हुई दूसरी बात। अब तीसरी लड़ाई जो है वो किस पे है, वो तीसरी लड़ाई है कि सोल स्तर पे है, मतलब व्यक्ति को इतना ज़्यादा इसमें इस सारे सिस्टम में माने मकड़ जाल में इसको इतना अटका दिया जाए, इतना अटका दिया जाए, इतना अटका दिया जाए कि वो कभी इनसे जैसे रोटी कपड़ा मकान या अनाज देख रहे हैं जैसे सरकारें दे रही हैं, तो इन सब चीज़ों से या रोटी कपड़ा मकान से ऊपर का कभी सोच ना सके, या ये जो सारा सिस्टम जो कंट्रोल है इनके ऊपर की चीज़ें ना सोच पाए, केवल केवल जो है जो अपने मतलब इसी में सीमित रह जाए। 3D वर्ल्ड से ज़्यादा ऊपर की चीज़ें, 3D से ऊपर की चीज़ें, 5D की चीज़ें ना समझ पाए, 4D में मतलब 5D में एसेंडिंग उसकी रुक जाए। सारा का सारा प्लान ये किस स्तर पे है, ये सोल स्तर पे लड़ा जा रहा है, ये हुई तीसरी बात। मतलब तीन स्तर पे मैंने बताया कि ये युद्ध जो है वो तीन स्तर पे चल रहा है, तो ये हुई उसकी बात। हाँ, तो मैं बात कर रहा था कि अब उनके पास क्या आया है, नया प्लान एलियन हंटर,
और कौन सा है सिंड्रोम, हवाना सिंड्रोम, ठीक उनके अनुसार। तो इसमें उन्होंने क्या बताया, उन्होंने ये बताया है उस मतलब जो वो हैं क्या नाम उनका, क्रिस्टोफर ग्रीन जो सुरक्षा अधिकारी थे, तो उन्हें पता चलता है उन्होंने किस पे लगा रखा था, एक सेक्रेट मिशन पे लगा रखा था कि वो देखें, इनपुट लें कि एलियंस जो धरती पे आते हैं बराबर और संपर्क में, तो वो इंसानों के साथ मतलब कैसा बिहेव कर रहे हैं। तो उन्होंने सीक्रेट रिपोर्ट सौंपी है जो कि इस समय चर्चा का विषय है कि उन्होंने यूएफओस के संपर्क में आने पर बहुत से सैनिक जो अमेरिका के हैं वो क्या हो गए हैं, वो उनके अंदर मतलब बहुत से तो मर ही गए हैं, 200 से ज़्यादा लोग तो उससे संक्रमित हो गए हैं और मर भी गए हैं बहुत से। तो और इसमें कम से कम 200 परिवार उनके जो है इस समय उसके परेशानियों में चल रहे हैं। सिंड्रोम के लक्षण में उन्होंने कहा है कि सिंड्रोम से क्या क्या हो रहा है, जैसे मस्तिष्कघात, पक्षाघात और मतलब सारी की सारी बहुत सी दिक्कतें आ रही हैं। और दिक्कतें किस टाइप की हैं, वो रेडिएशन सोनिक अटैक, जिसे उनका उनका कहना है कि ये एलियन ने क्या कर दिया है, सोनिक अटैक कर दिया है, ये उनका कहना है। और इसके बाद में हम बात करते हैं कि सितंबर 2021 में जो कि विलियम वर्न जब भारत आए थे, CIA के मुख्य अधिकारी एक हैं वो, उस समय थे, अब तो जो भी हो इस समय, तो उस समय जब आए थे तो वो थे, तो उन्होंने उनके साथ जो उनका मतलब और उनके सदस्य थे उसमें से एक सदस्य के ऊपर भी बताया जाता है कि अटैक हो गया था, और मतलब वही हवाना सिंड्रोम का अटैक हो गया और उसको तुरंत जो है यहाँ से वापस जाना पड़ा, कहाँ अपने देश वापस उसको जाना पड़ा। और इसकी शिकार जो है अमेरिकी वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस भी बताई जाती हैं, वो भी मतलब कुछ समय पहले की खबर है कि उसमें वो उनको वियतनाम जाना था लेकिन हवाना सिंड्रोम की वो भी शिकार हुई, तो उन्हें उनको भी अपनी वो यात्रा रद्द करनी पड़ी। ये लगातार अपडेट्स निकल के आ रहे हैं, तो हम देख सकते हैं कि कैसे वो अपने प्लान पर लगे हुए हैं। तो हमारे देश के लोग भी जो हैं वो कम से कम अब CV या ये जो क्या नाम हार्प वगैरह है, अब इससे ऊपर का सोचना स्टार्ट करें, क्योंकि वो जो है उनके पास एक ही प्लान्स नहीं है, बहुत से प्लान्स हैं। तो जैसा मैं कहता रहा हूँ कि वो अब क्या कहेंगे, उनके लिए बहुत आसानी हो गई कि हम अब एकता दिखाएं और ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग विश्व में एक ऐसी मतलब वन जैसे देख ही रहे हैं आप। क्योंकि मेरे कहने का तात्पर्य क्या है, मेरे कहने का तात्पर्य यही है कि जब तक सारा का सारा सब कुछ कैशलेस नहीं होगा, सारा का सारा कुछ वर्चुअल नहीं होगा, तो वो डिजिटल गुलामी माने जो मैं कहता हूँ जो ये इसमें लगने के लिए वो जो आ रही है इसमें वो लगने के लिए वो कैसे हो पाएगी, वो बगैर मतलब बगैर इसके क्या नाम कैशलेस हुए बगैर वो कैसे संभव है। जैसे अभी कुछ समय पहले की खबर है कि क्या कहा गया कि भारत में कितने 75 जिलों में डिजिटल बैंकिंग शुरू की जाएगी, मतलब डिजिटल बैंक शुरू किए जाएंगे, हैं डिजिटल बैंक शुरू किए जाएंगे, ये कुछ समय पहले की खबर थी। तो इससे हम क्या समझें, इससे यही समझें कि कैसे वो अपने प्लान को तैयार कर रहे हैं, और जब तक कैशलेस होगा पूर्णतया गुलामी नहीं आ पाएगी, ऐसा मैं मानता हूँ। और उनके पास उनका कहना है कि UFOs जो है वो बहुत ही ताकतवर हैं, उनके पास अत्याधुनिक हथियार हैं, और वो उससे मतलब उनके हाँ उससे क्या हुआ, उस जिस व्यक्ति पर अटैक हुआ था उसको ले जा कर के वो किया गया, उसके ऊपर टेस्ट किया गया, तो उन्होंने देखा कि इसके दिमाग के जो टीशू हैं वो नष्ट हो चुके थे। तो हम देखते हैं कि हाँ उन्होंने कहा कि उसके दिमाग के टिश्यू नष्ट हो चुके थे, और वो अटैक कैसा था, वो अटैक था जैसे बम का अटैक हो या कार जैसे अटैक होती है इस टाइप का। तो हम देखते हैं कि वो कैसे अपने स्टेप बाय स्टेप अपने प्लान की तरफ बढ़ रहे हैं। रिसर्च करिए, मेरी बातों को मत मानिए, मैं यहाँ पर किसी को कुछ नहीं वो कर रहा हूँ, या ये पैनिक क्रिएट करने का ना किसी तरह का कोई मेरा इरादा है, बस रिसर्च करिए सारी चीज़ों को, क्योंकि अंत में जब सब कुछ हम देख लेंगे तो मैं जैसा कहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा हम परमात्मा से कनेक्ट हों, क्योंकि आने वाले समय में
हमारे पास सारे रास्ते बंद हो गए, केवल एक ही रास्ता बनेगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम श्री परमात्मने नमः।